गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज सर्वेश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक ही मात्रा। आज हम एक ही मात्रा सीखेंगे। ओके, ख प्लस ए खे, खे प्लस ल खेल, खे प्लस ल प्लस ना खेलना। अब ये है म प्लस ए इक्वल टू मे, मे प्लस ल इक्वल टू मेल, मे प्लस ला इक्वल टू मेला, प प्लस ए ड पेड़, ये क्या है पेड़। ये श ए र शेर, र ए ल रेल। अब आपको पढ़ना है और लिखना है। ओके, प प में एक ही मात्रा ट पेट, ज ज में एक ही मात्रा ब जेब, द द में एक ही मात्रा र देर, भ भ में एक ही मात्रा ड भेड़, क क में एक ही मात्रा क केक, त त में एक ही मात्रा ल तेल, ठ ठ में एक ही मात्रा ल ल में आ की मात्रा ठेला, क क में एक ही मात्रा त ल ल में बड़ी की मात्रा केतली, स व में एक ही मात्रा र र में आ की मात्रा सवेरा, क र र में एक ही मात्रा ल ल में आ की मात्रा करेला, स फ फ में एक ही मात्रा द सफ़ेद, अ क क में एक ही मात्रा ल ल में आ की मात्रा अकेला, स ह ह में एक ही मात्रा ल ल में बड़ी की मात्रा सहेली, ल ल में आ की मात्रा ल ल में ल ट ट में एक ही मात्रा न लालटेन। अब ये क्या लिखा हुआ है, स ए ब सेब, क ए ला केला, च ए री चेरी, ब ए र बेर, ये क्या हैं फलों के नाम। ओके, अब ये खेल पेड़ सहेली रेलगाड़ी ये आप अपनी बुक में लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे लिखने का। अब हम आप मैं आपको फिर से एक ही मात्रा के बारे में बताती हूँ, है ना। हम लिखेंगे एक ही मात्रा के शब्द। ये क्या है एक ही मात्रा। ओके, ए, और इसकी मात्रा कैसी लिखती है, ऐसे। अगर मान लो हम किसी भी वर्ड में एक ही मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जैसे हम कै में एक ही मात्रा लगा करके देखते हैं, ठीक है ना। क ए, ठीक है ना, के ये क्या हो गया ल, अब ले में आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया केला, ठीक है ना। अब ये है ए, और इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे। और यदि हमने रे लिखा है रे लिखा है तो इसमें ए की मात्रा कैसे लगाएंगे, ऐसे, रे ल। ओके, अब हम फिर से लिखते हैं, अब हम लिखते हैं ए की मात्रा किस किस की लगती है। गणेश जी भगवान देखे हैं आपने, उनके भी ए की मात्रा लगती है ना, गणेश में भी ए की मात्रा आती है। लिखें, ग लिखेंगे सबसे पहले हम। अब क्या है ग ने, है ना, ण, तो ण लिखा। अब ए की मात्रा कैसे लगाएंगे, ने, श,
गणेश, ऐसे लिखते हैं ना गणेश, गणेश गणेश। अब ये है और भगवान राम, भगवान राम कौन है, रमेश राम, राम के ईश्वर कौन है, शिवजी भगवान को राम का ईश्वर बोलते हैं। तो रमेश में भी एक ही मात्रा लग रही है ना, र म ए श रमेश। और ए ऐसे लिखते हैं, ए की मात्रा ऐसे लगती है ना, त ल, ल में ते में ए की मात्रा लगाए तो तेल। अब और कौन सा लिखे है नाम, जेब, ए ए की मात्रा ऐसे, ज ए ब, जेब, ठीक है ना। और बोलो, रेल, तेल, जेब, मेल, ए म, मैं में एक ही मात्रा लगाई तो मे और ले, मेल। ए एक ही मात्रा क्या लिखे हैं, अब जेल, जे एक ही मात्रा ल, जेल। अब ए एक ही मात्रा ब ल, और ब में एक ही मात्रा लगा दी तो बेल। बेल कौन कौन सी होती है, बेल किसको बोलते हैं, बेल हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ती है, ककड़ी की बेल होती है और लौकी की बेल होती है, जानते हैं ना आप। ए ए र, र में एक ही मात्रा लगा दी तो क्या हो गई, रेत। अब हम एक बार पढ़ें, इनकी रीडिंग लगाएं। ए एक ही मात्रा क, एक ही मात्रा ल, आ केला। ए इसकी मात्रा ऐसे लगाते हैं और किसी वर्ड के ऊपर ऐसे लगाते हैं, र, र में एक ही मात्रा रे, ल, रेल। ए ए में एक ही मात्रा, एक ही मात्रा ऐसे लगाते हैं लिखते वक्त किसी वर्ड में, और ग, ने, ने में एक ही मात्रा श, गणेश। एक ही मात्रा र, मैं में एक ही मात्रा श, रमेश। त ए ल, तेल। ज ए ब, जेब। म ए ल, मेल। ज ए ल, जेल। ब ए ल, बेल। र ए त, रेत। तो आज हमने पढ़ी है एक ही मात्रा, ओके। अब आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लिखोगे, बोल बोल करके प्रैक्टिस करोगे और पढ़ोगे, ठीक है ना। जो बुक के अंदर दे रखे हैं वर्ड्स उनको पढ़ोगे और दूसरी बुक जो होती है उसको भी पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। ओके।